14 का ही वैलिड है। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून सब के बराबर है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, बड़ा छोटा, काला गोरा, हिंदू मुसलमान, वो जैसे नेचर काम करता है ना, कानून को भी यही लेकिन नेचुरल लॉ पर काम करता है। इट इज ऑल द इवॉल्व फ्रॉम नेचुरल लॉ, सब बराबर है। जब नेचर नहीं देन हाउ टू लॉ, तो आर्टिकल 14 जनरल बोल देना, बाकी इसके वेरिएंट। 15 कह दिया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, कोई उसी का वेरिएंट, लॉ विल अप्लाई टू एवरीबॉडी इक्वली, इट वोंट डिस्क्रिमिनेट, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, ये सब ना इस पर नहीं कर सकते, उसी का वेरिएंट 14 में कह दिया। बट और स्पेसिफिकली, क्योंकि वी हैव अ कॉलोनियल पास्ट, अंग्रेज के शासन का एक्सपीरियंस था 700 साल के गुलामी का हम लोगों का था, जिसमें हमारे राइट्स गार्डेड किए गए, तो हम लोग बहुत इलाबोरेट संविधान बनाए और बहुत इलाबोरेट किए लिस्ट ऑफ राइट्स किए, बाकी है सब आर्टिकल 14 का ही वेरिएंट, उसी को अलग अलग रूप में बिठाते हैं। आर्टिकल 16 कहता है स्टेट के मैटर में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में द स्टेट कैन नॉट डिफरेंशिएट, बट वी कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एससी एसटीज एंड ओबीसी फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, क्योंकि वी हैव दे हैव डिफरेंट हिस्ट्री, दे हैव डिफरेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, तो रखा को बुलाया गया कि भाई जो तो जिसको दौड़ने का प्रैक्टिस रहा जीवन भर, अपने दादा परदादा को दौड़ते ही देखा, धावक ही रहा, और एक बेचारा जिसके पैरों में जंजीर बांध दी, अगर दोनों को समानता का अधिकार देकर के सेम स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ाएंगे तो वो रियल में टेक्निकल समानता होगा, सब्सटेंशियल समानता नहीं होगा। तो इसीलिए कहा कि भाई देखो, जिसको जीवन भर एक्सप्लॉइट किया गया सदियों से, इसका स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं 500 मीटर, 1000 मीटर के रेस में उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा 500 मीटर पे, और जो भाई एकदम बचपन से एकदम ट्रेंड धावक रहे हैं वो जीरो से स्टार्ट। एंड हाउ वी बैलेंस द राइट्स ऑफ प्रिविलेज एंड नॉन प्रिविलेज, ऐसे ना हम लोग इवॉल्व। 16, 17 वो भी वेरिएंट है आर्टिकल 14 का, कहता है अनटचेबिलिटी वुड बी क्रिमिनलाइज्ड, इट वुड बी एन ऑफेंस टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। अब भाई जब आर्टिकल 14 में बोल ही दिए कि एवरीबॉडी इज इक्वल, लॉ विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द लोअर और अपर कास्ट और वन रिलीजन और अनदर रिलीजन और कॉम्प्लेक्शन के आधार पे, तो भाई अनटचेबिलिटी कैसे प्रैक्टिस, हाउ इज इट पॉसिबल। और 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, बराबरी है तो भाई टाइटल क्यों रखोगे, राजा, राय बहादुर, फलाना, बाय बर्थ तुमको टाइटल मिलेगा, अरे इफ यू मेरिट के आधार पर मिले तो मेरिट इज नॉट एंटीथेटिक टू इक्वालिटी, इनफैक्ट इट इवॉल्व्स अ फेयर कॉम्पिटिशन। और 19 से 22, 14 से 18 समझ गए राइट टू इक्वालिटी, इसलिए उसको एक ही अर्थी में रखा है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी का हिस्सा वेरिएंट 18, 19 से लेकर 22 ये हो गया राइट टू फ्रीडम, आजादी का भी। 19 में देयर आर लिस्ट ऑफ एज द राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉलो एनी ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और ट्रेड, दैट इज माय प्रेरोगेटिव, स्टेट कैन नॉट इंटर, आप मत बता हमको करना है, देयर इज सम, देयर मस्ट बी सम लिबर्टी एट पर्सनल लेवल, ठीक है ना, डिक्टेट है, कौन कपड़ा तू पहनेगा जी, ये सरकार डिसाइड करे, नहीं, लेट यू डिसाइड, एवरीबॉडी हैज अ चॉइस, और फ्रीडम का आधार ही है चॉइस, वेदर यू हैज अ चॉइस। अब कहेंगे नहीं नहीं डेमोक्रेसी है चाइना में, सारा पार्टी बैन कर दिए, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना रखे और वोटिंग करा दिए, फ्रीडम टू वोट है वहां, राइट टू वोट है, बट देयर इज नो चॉइस, यू हैव गॉट ओनली वन पार्टी टू वोट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सो
देयर इज नो फ्रीडम एट ऑल बिकॉज देयर इज कोलिशन. राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वी हैव अ चॉइस व्हाट टू स्पीक एंड व्हाट टू नॉट टू स्पीक. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स राइट टू बी साइलेंट. मेरा मन नहीं बोलने का, आई वॉन्ट टू स्पीक. मौन का जो ऐसा जा रहा था रास्ते में, एक यंग आदमी भी आ रहा था उसी रास्ते से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे. जो अपोजिट डायरेक्शन में आ जा रहे थे तो उस लड़के का आग जो है जो ऐसे ऐसे नहीं आ रहा था, वो युद्ध के एक आदमी के नाक में बैठ गया. तो मैंने कहा भाई चलो आप मेरे नाक इतने बड़े उठाए मारा. मेरे चाचा जान मेरे चाचा जो भी है जो पढ़ाती है उसकी कोई डिस्प्यूट की बात नहीं. क्या देश आजाद हुआ है इसलिए हम अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं, मर्जी के अनुसार चलने की बात नहीं थी. लेकिन मेरे नाक में मारने की आजादी आपको नहीं थी. लेकिन लिबर्टी इसकी चौबीस पिक्चर और